हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम दिखाएंगे इस 3055 बोर्ड का टेस्ट। तो इसे चला के देखेंगे कि इससे कैसा आवाज़ आता है और आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ट्रांजिस्टर बोर्ड ज़्यादा अच्छा है या फिर आईसी बोर्ड ज़्यादा अच्छा है। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। वैसे मुझे ये बोर्ड 450 का पड़ा है, मैंने लोकल मार्केट से लिया है। और इसी सेम प्राइस का और एक आईसी वाला बोर्ड भी था, मैंने उसका पहले रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं उसे इस आई बटन से। तो पहले इसकी वायरिंग करते हैं। यहाँ पर मैं 12012 के एक ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा और एक 60 वाट का वूफर यूज़ करूँगा। ये 4 ओम्स का है, तो चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12012 लिखा है, पर आप इसमें 18018 का ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हो 3 एम्पियर का, और 12 वोल्ट का अगर आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो 4 एम्पियर का लगेगा। आप यहाँ पर 1-1 एम्पियर ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो एम्पलीफायर सॉरी ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ, ये 4 एम्पियर का है, 12 वोल्ट का। तो इसे जोड़ लेते हैं। तो चलिए अब स्पीकर को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर मैं फिलहाल एक ही स्पीकर यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव है और एक ग्राउंड है, और ये दूसरे चैनल का पॉजिटिव और ग्राउंड है। इस एम्पलीफायर बोर्ड में आपको पर चैनल में 100 से 150 वाट मिलेगा। तो ये तो कंप्लीट हो गया। तो अब हम जोड़ेंगे इससे इसका इनपुट। तो मेरे पास एक ये तार है, ये वाला, इससे मैं इनपुट जॉइन करूँगा। तो ये लग गया एक चैनल, और यहाँ पर लगा इसका दूसरा चैनल, और तीसरा जो ग्राउंड है वो ग्राउंड के साथ। आप ठीक से देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लगा है इसका एक चैनल, यहाँ पर लगाया दूसरा चैनल, और यह है इसका ग्राउंड। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं इसको। तो शुरू करते हैं। तो मैंने देखा कि इसका साउंड तो बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथ है इसका साउंड, पर जब मैं इससे 80% से ज़्यादा बढ़ाता हूँ तब ये जाकर फटने लगता है। उससे पहले ये ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा साउंड है इसका। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।